हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रजेश सर स्वागत करता हूँ बीकेएम एजुकेशन में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट थ्री। इसके पहले हमने पार्ट वन और पार्ट टू पढ़ा दिया, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट थ्री है। इसके पहले मैंने टेस्टिस के बारे में पढ़ा दिया है आपको, और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये पार्ट इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसे हिंदी में नर जनन तंत्र कहते हैं, नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र में मैंने आपको पढ़ा दिया है पूरा, जो आपका टेस्टिस है ये कंप्लीट हो गया है। अब टेस्टिस के बाद जो सेकेंड पॉइंट बनता वो है एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट को हम बोलते हैं क्या, सहायक नलिका। इसको हिंदी में कहते हैं सहायक नलिका, नलिका। अब ये जो सहायक नलिका है ये हेल्प करती है स्पर्म को पेनिस तक ले जाने में, यानी ये जो सहायक नलिका है ये हेल्प करेगी टेस्टिस से स्पर्म को लेकर के पेनिस तक ले जाने में, जो सेक्सुअल यानी इंसेमिनेशन का काम करता है। तो यहां पे सहायक नलिका में टोटल फोर टाइप्स ऑफ डक्ट हैं। कितने हैं? फोर टाइप्स ऑफ डक्ट। तो पहला क्या है इसमें, पहला रेड टेस्टिस जिसे कहते हैं वृषण जालिका, दूसरा क्या है वासा इफरेंसिया, तीसरा क्या है वासा डिफरेंटिया या वासा डिफरेंस बोलते हैं, और चौथा हमारा एपीडी डाइमस। तो एसेसरी डक्ट में फोर टाइप्स ऑफ डक्ट हैं। पहला क्या है रेड टेस्टिस, दूसरा क्या है वासा इफरेंटिया, तीसरा वासा डिफरेंटिया, और चौथा जो है आपका वो है एपीडी डाइमस। तो टोटल ये फोर टाइप्स के ऑफ डक्ट हो गए। तो इसे मैं आपको भी फिगर के माध्यम से पूरा अच्छे से समझा के बताऊंगा। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा यहाँ पे है एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड को बोलते हैं सहायक ग्रंथि। इसको बोलते हैं क्या, सहायक ग्रंथि, सहायक ग्रंथि। तो ह्यूमन के रिप्रोडक्शन में तीन तरह की सहायक ग्रंथियां होती हैं, तीन तरह की सहायक ग्रंथियां होती हैं। तो जो पहला है वो हमारा सेमाइनल वेसाइकल, वो क्या है सेमाइनल वेसाइकल। दूसरा है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, इसे बोलते हैं कंद्रमूत्र ग्रंथि, और तीसरा है आपका बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड। और दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ नीट्स के एग्जाम में भी पूछ चुका है कि जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वह मेल में होता है कि फीमेल में होता है। तो आप इसको नोट कर लेना, ये जो थ्री ग्लैंड्स हैं, पहला सेमाइनल वेसाइकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा है आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और चौथा है आपका काउपर ग्लैंड्स। ये तीनों ग्लैंड्स आपके कौन से हैं, सहायक ग्रंथियां जो पेनिस को इंसेमिनेशन में हेल्प कराती हैं और आपके सीमेंस को गाढ़ा भी करती हैं। अब ये चौथा जो हमारा पढ़ना है वो क्या है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। अब एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन आपका क्या है, वो पेनिस, जो पेनिस इंसेमिनेशन का काम करता है, कोपुलेशन का काम करता है, संभोग का काम करता है, उसे बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में दो मसल्स होते हैं, कितने मसल्स होते हैं, दो मसल्स। तो पहला आपका होता है क्या, कार्पस स्पॉन्जियोसम। तो जो मसल्स पेनिस को चारों ओर से घिर रहता है, पेनिस को चारों ओर से घिर रहता है, उसको बोलते हैं क्या, कार्पस स्पॉन्जियोसम। और ये है दूसरा क्या, कार्पस कैवर्नोसा। ये भी मसल्स आपके पेनिस में होते हैं। तो ये आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्पस स्पॉन्जियोसम मसल्स किस में होता है, तो ये आपके एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन यानी पेनिस में पाया जाता है। दूसरा जो है आपका कार्पोरा कैवर्नोसा, ये भी आपके पेनिस का एक मसल्स है। तो स्टूडेंट इसको हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहली चीज कि आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वह फोर पार्ट से बना है, पहला टेस्टिस, दूसरा क्या है एसेसरी डक्ट, तीसरा एसेसरी ग्लैंड, और जो चौथा है वो क्या है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। जो आपका एसेसरी डक्ट है उसमें फोर टाइप्स के डक्ट हैं, पहला क्या है रेस्ट टेस्टिस, दूसरा क्या है आपका वासा इफरेंटिया, तीसरा क्या है वासा डिफरेंसिया या वासा डिफरेंस, और जो चौथा मेरे भाई वो है एपीडी डाइमिस। अब यहाँ भी इसी तरह आपके ग्लैंड है एसेसरी ग्लैंड, उसमें थ्री टाइप्स के ग्लैंड है, पहला क्या है सेमाइनल वेसाइकल, दूसरा क्या है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा जो स्टूडेंट्स है वो आपका क्या है
आपका बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड। तो एक एक करके सबको हम देखते हैं, सबके वर्क देखेंगे, जो जहां से क्वेश्चन जैसे आते हैं उसको हम करके बताएंगे। तो इसको हम देखेंगे पहले फिगर के माध्यम से और आपको पूरा समझ में आने वाला है यहाँ पे। तो मैं इसको मिटाता हूँ पहले और दिखाता हूँ आपको पहले टेस्टिस में कैसे स्पर्म बना है। स्पर्म को ले जाने का काम करेंगे ये आपके एसेसरी डक्ट्स, फोर टाइप्स के हैं और चारों को मैं दिखाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट मैं शुरू करता हूं यहां पे एक फिगर, एक नॉर्मल टेस्टिस का फिगर। ये है टेस्टिस, ये आपकी टेस्टिस है। हमने देखा था कि इस टेस्टिस में सर क्या था आपका, इस टेस्टिस में आपका था टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये आपका था टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो ये टेस्टिस में सर ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स था इनका संख्या 200 से 250 था। तो ये आपके थे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टी कुलर लोब्यूल्स, और इसी में आपके सेमाइनल वेसाइकल है। ये क्या है आपके सेमाइनल वेसाइकल, तो ये आपके सेमाइनल वेसाइकल है, ये है आपके सेमाइनल वेसाइकल वेसाइकल, ये कुछ ऐसा दिखता है। मैंने आपको फिगर बना के दिखाया था इसके पहले वाले फिगर में, इसके पहले वाले पार्ट में। तो सेमाइनल वेसाइकल कुछ ऐसा दिखता है, मैं इसका एक और फिगर साइज बनाता हूं, ये है सेमाइनल वेसाइकल। जब सर इस सेमाइनल वेसाइकल्स में क्या बन गया है स्पर्म, क्या बन गया है स्पर्म। तो जब आपके टेस्टिस के सेमाइनल वेसाइकल में यहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया और स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, तो स्पर्म के फॉर्मेशन के बाद इस टेस्टिस से स्पर्म को पेनिस के पास ले जाया जाएगा। लेकिन कैसे आइए देखते हैं। तो ये आपके जो सेमाइनल वेसाइकल है, ये क्या है आपके सेमाइनल वेसाइकल। तो सेमाइनल वेसाइकल सर ये आगे की ओर बढ़ते हैं, ये आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आगे की ओर बढ़ करके एक ऐसा नेट लाइक स्ट्रक्चर यानी जाल की तरह सजमाते हैं। तो ये सेमाइनल वेसाइकल जो आपके स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये आगे चल करके एक जाल की तरह यानी एक नेट की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो ये सेमाइनल वेसाइकल आगे चल के मेरे दोस्तों ये जो जाल की तरह संरचना बना रहा है, ये जाल की तरह, ये जाल की तरह संरचना बन गया, इसी जाल की तरह संरचना को हम क्या बोलते हैं, इसी जाल की तरह संरचना को बोलते हैं क्या, रेट टेस्टिस, रेट टेस्टिस, हिंदी में वृषण जालिका। हिंदी में क्या पढ़ते हैं इसको, वृषण जालिका। तो पहला आपको पॉइंट याद करना होगा जो आपके एसेसरी डक्ट में है, एसेसरी डक्ट में पहला क्या, रेट टेस्टिस किससे बना है। तो जो सेमाइनल सेमाइनल वो है क्या नाम, सेमाइनल इसको आई एम सॉरी, ये है आपके सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स, ये है आपके सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स। तो जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ था, ये आगे की ओर बढ़ करके एक नेट लाइक स्ट्रक्चर यानी एक जाल की तरह संरचना बनाते हैं, और उसी जाल की तरह संरचना को सर हम क्या बोलते हैं, रेट टेस्टिस यानी वृषण जालिका। तो ये किससे बना है, सेमाइनल, ये बना है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो आगे की तरह एक नेट की तरह यानी जाल की तरह संरचना बना रहा है। अब स्टूडेंट्स आगे देखेंगे ये क्या है वासा फ्रेंड्स दिया, तो ये सारे स्पर्म यहां भर गए यानी इस अंदर वाले एरिया में सर ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ये बहुत सारा स्पर्म लेकर के यहां पे आ गया है। तो सर ये जो स्पर्म लेके आया है तो आगे बढ़ेगा, तो स्टूडेंट्स ये आगे लेकर के बढ़ रहा है, ये जब आगे की ओर बढ़ता है तो एक ऐसे पाइप की तरह स्ट्रक्चर बनता है, ये पाइप के लाइक स्ट्रक्चर बनाता है यानी ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ये पाइप की तरह एक संरचना बना रहा है। इस पाइप की तरह संरचना को हम बोलते हैं क्या, इस पाइप की तरह संरचना को हम बोलते हैं क्या, वासा एफरेंटिया, वासा एफरेंटिया। तो आपका वासा एफरेंटिया है क्या, तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ये स्पर्म लेके आ रहा है, स्पर्म लेके आ रहा है, ये सर स्पर्म आ रहा है यहाँ पे, जो ये स्पर्म लेके आ रहा है ये पाइप की तरह संरचना बना रहा है यानी ये एक सर पाइप की तरह क्या बना रहा है, संरचना यानी स्ट्रक्चर बना रहा है। इसी पाइप की तरह स्ट्रक्चर को हम स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं, वासा इफरेंटिया। तो वासा इफरेंटिया है क्या, जब आपके टेस्टिस में
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने स्पर्म बना लिया है, तो इस स्पर्म को पेनिस के पास हम ले जाएंगे। तो पेनिस के पास ले जाने के लिए कोई ना कोई तो पाइप सिस्टम चाहिए, उसी पाइप सिस्टम को हम क्या बोले हैं, वासा इफरेंटिया। अब ये वासा इफरेंटिया थोड़ा सा आगे चल के कुछ इस तरह फूल जाता है, यानी आगे चल करके सर ये कुछ इस तरह फूल जाएगा। आप देख पा रहे स्ट्रक्चर को, ये कुछ इस तरह जो फूल गया है, इस तरह आप देख पा रहे स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर, ये जो फूल गया है, इस स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये जो इसका ऊपर उठा हुआ भाग है, यानी ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है, इसी ऊपर उठे हुए भाग को हम बोलते हैं क्या, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, तो एपिडिडाइमिस को हिंदी में बोलते हैं अधिवृषण। तो ये जो स्पर्म लेकर के आ रहा है, स्पर्म लेकर के जो पाइप आ रहा है, आगे कुछ ऐसे फूल जाएगा, क्योंकि भर भर के स्पर्म आ रहे हैं, ढेर सारे स्पर्म आ रहे हैं, तो ये फूल जाएगा। यानी यहाँ सर बहुत सारा स्पर्म आ गया, ये सारे क्या है आपके स्पर्म। तो सर यहाँ पे स्पर्म की काउंटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ये स्ट्रक्चर फूल जाएगा। इस फूले हुए स्ट्रक्चर का अपर पार्ट क्या कहलाता है, एपिडिडाइमिस, और हिंदी में स्टूडेंट बोलते हैं इसको अधिवृषण। यानी ये फूला हुआ भाग आपका क्या है, एपिडिडाइमिस, जो ऊपर वाला फूला हुआ भाग है। अब स्पर्म को हम पेनिस के पास ले जाएंगे, तो यहां से ये खुल जाता नीचे की ओर। अब नीचे की ओर खुल रहा है, तो जैसे सर ये नीचे की ओर खुल रहा है, ऐसे खुल रहा है ये, तो नीचे की ओर खुलते हो जा रहा है, ये सारे स्पर्म यहां नीचे की ओर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं स्पर्म। तो मैं इस स्पर्म को पेनिस के पास ले जाने का प्रयास कर रहा हूं, तो ये पेनिस के पास जा रहे हैं। तो जो इसको ले जा रहा है यहां आउटसाइड पे, यहाँ जो आउटसाइड पे जिसको ले रहा है, ले जा रहा है इसको, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्या, वासा डिफरेंस या वासा डिफरेंटिया। क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंटिया। तो जो आपके स्पर्म को यहाँ आगे की ओर ले जा रहा है स्टूडेंट, उसको बोलते हैं क्या, वासा डिफरेंटिया या वासा डिफरेंट। मैं फिर से एक बार दोहरा दूं कि आपके एसेसरी डक्ट में, सहायक नलिका में चार तरह की नलिकाएं होती हैं। पहला क्या होता है, रेट टेस्टिस। तो आपका जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स था, इसने स्पर्म बनाया, और स्पर्म बना करके आगे एक नेट की तरह संरचना बनाया, इस नेट की तरह संरचना को हमने बोला क्या, रेट टेस्टिस। क्या बोला, रेट टेस्टिस। तो ये रेट टेस्टिस हो गया आपका। दूसरा, जब ये इसको स्पर्म को ले जाएगा, ये स्पर्म को ले जाएगा, तो यहाँ एक पाइप की तरह संरचना बन रही है, इस पाइप की तरह संरचना को हम बोलते हैं क्या, वासा इफरेंटिया। अब आगे यहाँ बहुत सारा स्पर्म आ रहा है, जो फूला हुआ ये भाग है, इसका अपर पार्ट क्या कहलाता है, एपिडिडाइमिस। अब नीचे से स्पर्म को ये आगे की ओर ले जा रहे हैं, ये स्पर्म को आगे की ओर ले जा रहे हैं, तो स्पर्म का ये जो आगे की ओर ले जाने वाला पार्ट है, उसका है वासा डिफरेंटिया या वासा डिफरेंट। तो ये चार तरह की आपकी सहायक नलिकाएं मैंने बता दी, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपका जो पार्ट था वो क्या था, उसके बाद था आपका कौन सा, सहायक ग्रंथियां या एसेसरी ग्लैंड्स। तो सहायक ग्रंथियां तीन होती हैं, अब मैं तीनों को बताने वाला हूं, लेकिन पहले मैं इसको मिटा देता हूं। पहले तो स्टूडेंट आपको मैं दिखाने वाला हूं सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां या एसेसरी ग्लैंड। तो एसेसरी ग्लैंड या इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक ग्रंथियां। कितनी होती हैं आपकी सहायक ग्रंथियां, तीन होती हैं। पहला जो होता है आपका, पहला जो होता है उसको बोलते हैं कि सेमाइनल वेसाइकल, मैंने पहले बता रखा है सेमाइनल वेसाइकल। दूसरा जो होता है आपका, वो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और स्टूडेंट जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं क्या, काउपर ग्लैंड्स, काउपर ग्लैंड्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थ्री टाइप्स के ग्लैंड हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्या, सहायक ग्रंथियां या एसेसरी ग्लैंड्स। जो पहला है आपका वो है आपका सेमाइनल वेसाइकल, जो दूसरा है आपका वो है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा जो स्टूडेंट्स है वो आपका है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। इन तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा फिगर बना रहा हूँ जो आपको समझ में आएगा। तो हम टेस्टिस से अभी यहां तक मेरे स्पर्म आ चुके हैं, ये सारे क्या आ रहे हैं यहां से, स्पर्म।
यानी सर यहाँ तक स्पर्म आ चुका है, अब स्पर्म को हम आगे क्यों ले जाएंगे? तो मैं यहाँ एक नॉर्मल सा फिगर बना रहा हूँ, यहाँ एक ये आपकी किडनी का बना रहा हूँ मैं फिगर। तो ये स्टूडेंट्स आपकी किडनी है, ये किडनी है, और यहाँ मैं थोड़ी सी छोटी बना रहा हूँ फिगर इसको। तो ये आपकी किडनी है, एक इधर बाएं तरफ और एक कहाँ पे दाएं किधर। तो ये स्टूडेंट्स आपकी किडनी है, ये आपकी किडनी है, किडनी ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है क्लास 11th में। तो ये किडनी है, अब इस किडनी में ब्लड के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से या प्रोटीन के फिल्ट्रेशन से आपका तैयार होता है क्या? यूरिन। तो इस किडनी में सर तैयार हो रहा है क्या? यूरिन। यूरिन यानी पेशाब। तो जो यहां मूत्र तैयार हो रहा है, जो पेशाब तैयार हो रहा है मूत्र, तो इस मूत्र को आगे हम ले जाएंगे कहां पे? आगे क्यों ले जाएंगे? अब सर इसको आगे क्यों ले आ रहे हैं? ये आगे क्यों आ रहा है? तो यहां से आपकी किडनी से क्या आ रहा है सर? यहां किडनी से आ रहा है आपका यूरिन, ये यूरिन यहां पे आ रहा। यूरिन और आगे बढ़ेगा, ये और आगे बढ़ेगा। अब स्टूडेंट्स यूरिन यहां तक आ चुका है, अब ये यूरिन इकट्ठा कहां होगा? तो ये यूरिन इकट्ठा होता है आपके यूरिनरी ब्लैडर में। कहां पे? यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये यूरिन यहां पे इकट्ठा हो रहा है, जहां पे इसको बोलते हैं क्या? जहां इकट्ठा होता है ये यूरिन यहां से आ रहा है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर। तो जहां पे ये यूरिन इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं क्या? यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर में मूत्र इकट्ठा हो रहा है सर, अब इसी में हमको क्या भेजना है? इसी में भेजना है हमको स्पर्म। तो ये मेरा स्पर्म आ रहा है इधर से, ये आया ऐसे, लेकिन कहीं से भी इसका देखो, कहीं से भी यूरिन का कोई कांटेक्ट नहीं है। तो अभी इसका यूरिन का कोई भी कांटेक्ट नहीं है, तो यहां से मेरे स्पर्म ये आ रहे हैं। अब आने के बाद आपके यहां दो ग्लैंड्स हैं, यहां क्या है? दो ग्लैंड्स, एक ऊपर की ओर ऐसे और इधर भी, एक दाएं और एक बाएं। तो ये दो ग्लैंड्स हैं, एक ग्लैंड्स आगे की ओर बढ़ रहा है ऐसे। तो ये जो ग्लैंड्स हैं, अब ये क्या है? अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो ये भी आके इसी तरह आगे से मिल जाएगा, मैं एक फिगर से बता रहा हूं आपको। तो सर यहां मेरे स्पर्म आ रहे हैं, अब ये जो सर स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? तो स्टूडेंट्स इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं क्या? सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल। इसे हिंदी में बोलते हैं क्या? शुक्राशय। क्या बोलते हैं? शुक्राशय। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है आपका सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड, ये सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड, जो आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा एसेसरी ग्लैंड माना जाता है। तो ये सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड है जो दो चीजों को निकालता है, कौन कौन सी वो चीजें हैं मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूं, अभी थोड़ा सा एक करके इसको मैं मिटाता हूं। तो सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड क्या क्या निकालता है? तो सर ये दो चीजों को निकालता है, पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा सर है क्या, यहां ध्यान देंगे। तो यहां पे जो पहली चीज निकाल जा रही है उसका नाम है फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज, यानी फ्रक्टोज शुगर आपके सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड में बन रहा है। तो जो पहली चीज बनी है स्टूडेंट उसको बोलेंगे क्या? फ्रक्टोज। और जो दूसरी चीज है वो क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो आपके सेमाइनल वेसाइकल में दो चीजें बन रही हैं, क्या क्या बन रही हैं? पहला बन रहा है स्टूडेंट्स फ्रक्टोज और दूसरा क्या बन रहा है? प्रोस्टाग्लैंडिन। अब इनका काम क्या है? पहला आपका जो ये यहां पे दिख रहा है क्या? फ्रक्टोज। जब स्पर्म आएगा, ये स्पर्म आएगा तो कोई अगर तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आता तो कुछ मीठा खिलाते हो ना, मीठा खिलाते हो ना। तो जैसे ही स्पर्म इतनी लंबी दूरी तय करके आ रहे हैं, देखो ये स्पर्म आ रहे हैं लंबी दूरी तय करके, तो इनका स्वागत कैसे करोगे? मीठे से करोगे, क्योंकि फ्रक्टोज शुगर है मेरे भाई। फ्रक्टोज शुगर जो फल में पाया जाता है, ये फ्रक्टोज स्वाद में मीठा होता है। तो स्पर्म आते ही यहाँ पे मीठा खाते हैं, क्या खाते हैं? मीठा, यानी फ्रक्टोज
शुगर खाते हैं। तो जब स्पर्म को यहाँ मीठा मिलता है यानी फ्रक्टोज मिलता है, तो ये फ्रक्टोज करता क्या है सर, स्पर्म को देता है क्या, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन माने पोषण। तो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स में जो पहली चीज बनी है वो क्या है, फ्रक्टोज है। और फ्रक्टोज करती क्या है सर, तो ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रक्टोज स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। लेकिन सर ये दूसरी चीज क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन है क्या? तो स्टूडेंट प्रोस्टाग्लैंडिन ये है क्या, आपने सुना होगा जब एक बॉयज या एक लड़का शादी के बाद अपने सीमेंस को आई मीन अपने वीर को महिला के वजाइना में इंसेमिनेट करता है यानी ट्रांसफर करता है। यानी जब एक लड़का संभोग करता है तो वो ढेर सारा वीर या स्पर्म महिला के वजाइना में डाल देता है यानी इंसेमिनेशन करता है। तो आफ्टर रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन या कोपुलेशन एक पुरुष अपनी योनि से ढेर सारा स्पर्म इंसेमिनेट करता है महिला के योनि में। अब इस चीज में प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा फिगर बना दूं, इधर एक सामने इधर इधर बनाता हूं मैं इसको भी थोड़ा सा रोक करके, तो ये एक फिगर बना रहा हूं मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा फिगर है ये, आप इसको ध्यान देना थोड़ा सा बस। तो ये महिला का क्या है, ओवरी है यानी गर्भाशय है, ये गर्भाशय है। तो ये गर्भाशय में तीन झिल्लियां हैं, एक दो तीन। तो पहला क्या है, पहला है आपका कौन सा, पेरिकार्डियम। दूसरा क्या है, मायोकार्डियम। और जो तीसरा है मेरे भाई, पहला दूसरा तीसरा इधर भी होते हैं, तो पहला पेरिकार्डियम, दूसरा क्या है मेरे भाई, ये है मायोकार्डियम, और तीसरा जो है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हर महीने टूट करके निकल जाता है और ब्लड बन के निकलता है। तो ये जो मायोकार्डियम मसल्स है, ये मायोकार्डियम मसल्स जो होते हैं ये ऑटोनॉमस होते हैं यानी अपने आप मूवमेंट करने वाले होते हैं। तो ये जो मायोकार्डियम मसल्स है, कौन से मसल्स हैं ये, मायोकार्डियम मसल्स। ये मायोकार्डियम मसल्स जब एक लड़का इस वजाइना में, इस ओवरी के वजाइना में अपना स्पर्म यहाँ डालता है यानी स्पर्म यहाँ डाल दिया, तो जब स्पर्म डालता है तो स्पर्म को कहाँ आना पड़ेगा, इस अंडे के पास आना पड़ेगा। तो बच्चे इस स्पर्म को आना पड़ेगा कहाँ पे, अंडे के पास। लेकिन सर अंडे के पास ये कैसे आ जाएंगे, इसमें कौन हेल्प करेगा, तो ये जो फीमेल की ओवरी है, इस फीमेल की ओवरी में ये कौन सी मसल्स है, ये मायोकार्डियम मसल्स। इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, सब तीन तरफ होंगे। तो ये मायोकार्डियम मसल्स हेल्प करते हैं, लेकिन कैसे। तो जब एक लड़का अपने सीमेंस को, अपने वीर को यहाँ डाला है, तो वीर से क्या निकलता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या निकलता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन, ये प्रोस्टाग्लैंडिन इस मायोकार्डियम मसल्स के कॉन्टेक्ट में आते हैं, किसके, ये प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पे आया है जो आपके सीरम यानी वीर के साथ निकला है। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन इस मायोकार्डियम मसल्स को मूवमेंट देता है। जैसे आप कोई लुब्रिकेंट यूज करते जिससे आपकी जो वर्क है वो तेज हो जाती है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, इस मायोकार्डियम मसल्स को मूवमेंट देता है, जिससे ये जल्दी जल्दी शुक्राणुओं को यानी स्पर्म को कहाँ भेजता है, ये अंडे के पास भेजता, अंडे के पास भेजता है। यानी सर ये प्रोस्टाग्लैंडिन मायोकार्डियम मसल्स को लुब्रिकेंट प्रोवाइड कर रहा है, जिससे मायोकार्डियम मसल्स इंसेमिनेशन वाले वीर को यानी वीर को ये आगे अंडे की ओर पहुंचाने में हेल्प करता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स कर क्या रहा है, इस मायोकार्डियम मसल्स का हेल्प कर रहा है ताकि तुम शुक्राणुओं को अंडाणुओं के पास ले जाओ, यानी ये मायोकार्डियम मसल्स को मूवमेंट प्रोवाइड करवा रहा है। अब ये तो आपको समझ में आ गया प्रोस्टाग्लैंडिन है क्या। अब ये दोनों मिल करके, ये दोनों मिल करके यानी स्पर्म, ये दोनों फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये दोनों मिल करके पूरे सीरम का यानी वीर का, सीरम यानी वीर का 60% भाग बनाते हैं। कितना बनाते हैं, 60% भाग। तो फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन
ये दोनों मिलकर के वीर का यानी सीरम का 60% भाग बनाते हैं। बाकी 40% में अभी दो और ग्लैंड्स हैं, मैं उनको बताने वाला हूं। तो 60% भाग तो अकेले यही बना दिया। और ये जो आपका स्पर्म का कलर है, ये कलर चेंज करवाते हैं, थोड़ा सा येलो करवा देते हैं। क्या करवाते हैं? थोड़ा सा येलो, हल्का सा येलो। तो आपको इन दोनों का काम समझ में आ गया। अब स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन है फ्रक्टोज का, वो क्या है? तो ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, मालूम भी होगा, हो सकता है। तो जब भी किसी लड़की के साथ रेप होता है, रेप जिसे हम बलात्कार कहते हैं, तो जब भी किसी महिला के साथ रेप या बलात्कार जैसी घटना होती है, तो उस घटना में सबसे पहले इस लड़की के ओबरी में या वजाइना में क्या चेक करते हैं? तो रेप के बाद इस महिला के वजाइना में, इस वुमेन्स की वजाइना में सबसे पहले इसका मटेरियल चेक करते हैं। उस मटेरियल में अगर कहीं भी फ्रक्टोज पाया गया, क्या पाया गया? फ्रक्टोज, तो उस लड़की के साथ रेप हुआ है। उस लड़की के साथ क्या हुआ है? रेप हुआ है। तो अगर लड़की की वजाइना में फ्रक्टोज पाया गया, तो लड़की के साथ क्या हुआ है? रेप हुआ है। अब ये फ्रक्टोज केवल सर लड़कों में होता है, लड़कियों में नहीं पाता है। लेकिन जब एक लड़का रेप की जैसी घटना करता है, तो ये यहां पे जो सीमेन जाता है, जो वीर जाता है, वीर के साथ क्या आ जाएगा? फ्रक्टोज आ जाएगा। और फ्रक्टोज इस बात को प्रमाणित करता है कि लड़की के साथ यहां पे गलत हुआ है। इसी नाते सबसे पहले फ्रक्टोज की जांच होती है कि वो जो फैसला है वो सही है या गलत है। और ये फ्रक्टोज केवल किसमें होता है? तो ये फ्रक्टोज बॉय के सीरम में होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट, जो दूसरा ग्लैंड है, दूसरा ग्लैंड, पहले मैं इस फिगर को थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, ये फिगर मिटाता हूं मैं थोड़ा सा। जो ये दूसरा ग्लैंड है, ये यानी, अब दूसरा ग्लैंड, तो पहला ग्लैंड तो सर ये सेमाइनल वेसाइकल है, अब दूसरा क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यहां से मैं ये बनाता हूं स्फिंक्टर, ये इनस्फिंक्टर, स्फिंक्टर है। अब यहीं से आपकी शुरू होती है क्या? पेनिस। ये क्या है? पेनिस। ये है आपकी पेनिस। इस पेनिस से क्या आता है? स्पर्म भी आता है और यूरिन भी आता है। तो स्टूडेंट्स, ये है पेनिस, मैं एक नॉर्मल से फिगर बनाऊं, ये फिगर सही है, ये है आपकी पेनिस। तो ये है पेनिस, इसे बोलते हैं क्या? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। अब ये एक बात मैं जो आपको बताने वाला हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अभी आगे चल के आपको मैं उसको बताऊंगा। तो ये दूसरा ग्लैंड क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यहां से जस्ट पेनिस के यहां अपर सेक्शन पे, यहां पेनिस के अपर सेक्शन में, थोड़ा सा इसको फिगर ऐसे कर देता हूं। तो सर यहां पेनिस का जो अपर सेक्शन, यानी यहां पे, यहां पे, तो ये पेनिस का अपर सेक्शन है, ये तो पेनिस के अपर सेक्शन पे एक ग्लैंड होता है, एक, दो नहीं होता है। देख तो आपको ये दो रहे होंगे कि एक इधर देख रहा है, एक इधर दिख रहा है, लेकिन सर ये ऐसे होता है। जैसे ये मान लो, ये सपोज दैट पेनिस है, ये पेनिस है, और पेनिस के सामने मैं ऐसे कर दूं, तो आपको एक ऊपर दिख रहा होगा, एक नीचे दिख रहा होगा, लेकिन है क्या? एक ही है। तो यहां पे एक जो दूसरा ग्लैंड है मेरे भाई, इस दूसरे ग्लैंड को बोलते हैं क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड करता क्या है वो भी बताता हूं मैं। तो ये आपके सीरम का, किसका? सीरम का 25% भाग बनाता है, यानी सीरम का 25% अकेले बनाता है कौन? आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। अब इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड और क्या बनाता है वो भी बताता हूं, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं। तो ये 25% में होता क्या क्या है स्टूडेंट? तीन चीजें होती हैं। तो पहला स्टूडेंट, इसमें जो होता है वो क्या होता है? एंजाइम, यानी पहला क्या बनाता है? एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम? जैसे एमाइलेज हो गया, पेप्टेज हो गया, ये ऐसे एंजाइम बनाता है, एंजाइम का भी वर्क है। दूसरा स्टूडेंट्स, ये बनाता है क्या? कैल्शियम। अब ये कैल्शियम बना दिया, जब सर यहां पे कैल्शियम बन गया है, ये क्या बन गया है? कैल्शियम। तो कैल्शियम आपको मालूम होगा ये कौन से रंग का होता है, कौन से रंग का होता है कैल्शियम?
तो कैल्शियम की वजह से दूध का रंग क्या होता है, सफेद होता है। तो यही कैल्शियम आपके सीरम को, सीरम माने आपके वीर को, यहां मैं सीरम लिख भी देता हूं, यही कैल्शियम आपके सीरम को कलर देते हैं, कौन सा, मिल्की वाइट, मिल्की वाइट यानी कौन सा रंग, सफेद दुधिया रंग, सफेद दुधिया रंग। तो किसकी वजह से आपका जो सीरम है, आपका जो वीर है, वह सफेद होता है, तो वह कैल्शियम की वजह से क्या होता है, वह सफेद होता है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लो कि प्रोस्टेट ग्लैंड से दो चीजें अभी निकल रही है, क्या है, एक तो एंजाइम है, एक क्या है, एंजाइम है, दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, कैल्शियम है, दूसरा क्या है, कैल्शियम। इन दोनों की वजह से आपके, इस कैल्शियम की वजह से आपके जो वीर का रंग है, जो सीरम का रंग है, वो कैसा है, मिल्की वाइट यानी सफेद दुधिया रंग का हो जाता है। और ये दोनों मिलकर के आपके सीरम का 25% भाग बनाते हैं, 25% ये हो गया, 60% को हम बना रहे हैं सेमाइनल वेसाइकल, कितना हो गया 85%। अब 85% के बाद बाकी कौन सा ग्लैंड है मेरे भाई, तो तीसरा नेक्स्ट ग्लैंड है, वो क्या है, बल्बो यूथरल ग्लैंड। तो जस्ट यहां पे थोड़ा सा मैं इसको यहां बनाता हूं, एक यह और एक यह, ठीक है। अब ये अंदर की होगा लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूं, ये जो दूसरा ग्लैंड है ये यहां पे, ये है आपका कौन सा, तो इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल या काउपस ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड, या इसको बोलते हैं क्या, काउपर ग्लैंड, काउपर ग्लैंड, ये तीसरा है, दूसरा ये था और ये क्या है आपका, तीसरा। तो ये जो तीसरा सर हमारा बल्बो यूरेथ्रल या काउपर ग्लैंड से ये करता क्या है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं प्रोस्टेट के बारे में, कभी कभी प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होने से इस प्रोस्टेट का आकार बढ़ जाता है, प्रोस्टेट का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे जो बूढ़े लोग हैं, यानी आपके साथ नहीं हो सकता, जो ओल्ड एज में, यानी जो बूढ़े लोग हैं 50 60 या उससे भी ऊपर 60 70 साल के, तो प्रोस्टेट का आकार बढ़ने से स्टूडेंट्स होता क्या है, जो मूत्र त्याग करने में यानी यूरिन को पास आउट करने में ये जो यूरिन बन रहा है उसमें बड़ी परेशानी होती है। आपने देखा होगा कुछ बूढ़े लोगों को घंटे 10 मिनट 15 मिनट 30 मिनट बैठे रहते हैं और जो यूरिन बच्चे धारा के साथ बहना चाहिए वह टप 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 टूप टीट जिससे गिरता है, यानी ये चीज बढ़ जाती है जिससे आपके पेनिस से जो यूरिन है वह टप 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 बूंद के रूप में गिरता है, जिससे वो बहुत परेशान रहते हैं, इसमें पीड़ा भी लोगों को होती है। तो बाद में इसको ऑपरेशन के थ्रू हम हटा सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारा तीसरा स्टूडेंट्स वो क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्लैंड। ये जो काउपर ग्लैंड है या बल्बो यूरेथ्रल, ये क्या करती है सर, इनकी संख्या सर दो होती है, कितनी है, एक इधर और एक इधर, यानी इनकी संख्या कितनी है, दो। तो इनको आप काउपर्स ग्लैंड को दो लिख सकते हो, मगर प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी है सर, प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होती है। अब सर ये करती क्या है, जो आपकी बल्बो यूरेथ्रल या काउपर ग्लैंड्स हैं, तो ये निकालती है एक लुब्रिकेंट, क्या निकालती है, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट्स को हम हिंदी में कहते हैं क्या, स्नेहक, क्या बोलते हैं, स्नेहक। आपने देखा होगा जब कोई मशीन है, उस मशीन में हम ऑयल डाल दें या ग्रीस डाल दें, तो वो हमारी मशीन बहुत तेज वर्क करती है, क्या करती है, तेज। तो जब एक पुरुष, जब एक मेल अपने इस पेनिस को, अपने इस एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन को महिला की बॉडी में इंटर कराता है, यानी वो सेक्स करता है, तो सेक्स के समय ये जो बल्बो यूरेथ्रल या काउपस ग्लैंड है एक लुब्रिकेंट निकालता है, क्या निकालता है, लुब्रिकेंट। और लुब्रिकेंट की वजह से इस पुरुष को सेक्स में कोई दिक्कत नहीं होती, ये आसानी से महिला की बॉडी में इंटर
कर जाता है, यानी इंटरकोर्स कर लेता है। तो ये लुब्रिकेंट जो निकाल रहा है, इस लुब्रिकेंट्स की वजह से पुरुष का ये जो लिंग है, ये जो इसका पेनिस है, इस पेनिस को घर्षण से बचाने के लिए, इस पेनिस को फ्रिक्शन से बचाने के लिए, ये जो आगे की त्वचा है जो झिल्ली होती है इसमें, इसको फ्रिक्शन से बचाने के लिए ये काउपस ग्लैंड लुब्रिकेंट निकालता है, जिससे यहाँ की झिल्ली ना फटे, यहाँ की झिल्ली ना फटे, नहीं तो ये झिल्ली फट सकती है, दर्द हो सकता है। तो बल्बो यूरेथ्रल या काउपस ग्लैंड क्या कर रहा है सर, ये लुब्रिकेंट निकाल रहा है, और लुब्रिकेंट की वजह से पुरुष का जो लिंग है वह महिला की योनि में आसानी से इंटर कर जाता है। तो ये थ्री ग्लैंड्स हो गए, पहला एसेसिक ग्लैंड में सेमिनल वेसाइकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा बल्बो यूरेथ्रल। तो ये सेमिनल वेसाइकल है, ये आपका क्या है, सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड्स है जो निकाल रहा क्या, फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन। फ्रक्टोज आपको मैंने बताया ही, प्रोस्टाग्लैंड मैंने बताया है कि ये स्पर्म को आगे ले जाने में सहायता करते हैं। दूसरा जो फ्रक्टोज है, ये रेप के जांच में होता है और ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है। जो दूसरा ग्लैंड है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, तो प्रोस्टेट ग्लैंड से एंजाइम निकल रहा है, कैल्शियम निकल रहा है और कुछ प्रोटीन्स भी निकलते हैं। कैल्शियम की वजह से आपका जो स्पर्म का जो सीरम का रंग है, जो वीर का रंग है, वो कैसा होता है, सफ़ेद दूधिया रंग का होता है, मिल्की व्हाइटिश होता है। तीसरा जो है आपका बल्बो यूरेथ्रल या काउपस ग्लैंड, ये आपका एक लुब्रिकेंट्स निकालता है, जिससे आसानी से सेक्स हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा ये आपका मैंने बताया पेनिस में आपके दो मसल्स होते हैं, दो मसल्स जो दोनों आपको मैंने पहले लिखवा रखा है, और इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन अब नहीं आने वाले हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, और मैं एक बार इसको दोहरा देता हूँ कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फोर पार्ट्स होते हैं। पहला जो आपका होता है वो क्या होता है, पहला आपका होता है टेस्टिस, दूसरा एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट्स में फोर पार्ट्स हैं, पहला क्या है आपका एसेसरी डक्ट्स में, पहला जो आपके मेरे भाई जो है वह क्या है, टेस्टिस, दूसरा वासा एफरेंसिया, तीसरा वासा डिफरेंसिया, और जो चौथा है वो क्या, एपिडिडाइमिस। मैंने चारों को बता दिया, वासा इफरेंट, ये आपका रेड टेस्टिस है, ये क्या है, रेड टेस्टिस, यहाँ मैंने लिख रखा है। दूसरा जो ये है वासा इफरेंटिया, और ये क्या है, वासा डिफरेंटिया, और ये मेरे भाई क्या है, ये जो मतलब फूला हुआ भाग है, एपिडिडाइमिस। ये यहाँ पे आपके टेस्टिस में यहाँ पे स्पर्म बन गया है, अब स्पर्म को ले जा रहा है कौन, ये आपका आपका एसेसरी डक्ट। अब यहाँ पे इसमें जो चीज़ें मिलाई जाएंगी वह आपके एसेसरी ग्लैंड द्वारा मिलाई जाएंगी। जो पहला मिलाने का काम करता है वो कहता है सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड, जो इसमें फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन मिलाता है, मैंने बता दिया है आपको। दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो एंजाइम्स और कैल्शियम आदि मिला रहा है बच्चे, जिससे आपके सीरम का रंग वाइट होता है। और तीसरा जो आपका बल्बो यूरेथ्रल या काउपस ग्लैंड, जिनकी संख्या दो होती है, ये लुब्रिकेंट्स प्रोवाइड करता है। अब इसमें आपके आपके जो ये पेनिस है, इसमें टू टाइप्स के मसल्स हैं, मैंने पहले ही इसको लिखवा दिया है आपके बोर्ड्स पे, तो आप आसानी से उसको देख सकते हो। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो चीज़ें छूट जा रही, मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ये आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट थ्री था, अब पार्ट फोर में जो चीज़ें छूट गई हैं मैं उसको बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आई थिंक ये आपको याद हो गया होगा, ये फिगर आप बना लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने आपको जो भी पढ़ाया अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 100% याद हो जाएगा, और इसके बाद आपको दोबारा कहीं भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार आपको पढ़ने की पूरी तरह गारंटी है, आपको याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बाय।